बोलिए करो सर। मेरे जी मायावती जी मेरे साथ अत्याचार कर रही हैं। 29 तारीख को हमारे ऊपर हमला करवाया था उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर। यूपी में? यूपी में नहीं, वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो क्यों हमला कराया था आपको? इसलिए कि हमने जो पार्टी खोली है समाज विकास क्रांति पार्टी, उसके पहले उनके फोन से आए थे, उनके लोगों के फोन से आए थे कि पार्टी को बंद कर दो, हमारे में सम्मिलित हो जाओ। हमने इस चीज़ से इनकार किया। जब हमने इनकार कर दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर उन्होंने, सुनील सक्सेना जी के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट में गया और वो जो हमला करने वाला था वो कह रहा था कि भाई कहाँ है तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह, मेरे नाम से इनको गाली दे रहा था और वो कह रहा था कि आप जो है अशोक सिंह को बोलो कि पार्टी बंद कर दें और हमारे में शामिल हो जाएं। तो हमने इस चीज़ से इनकार किया, इसलिए उनकी गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस FIR नहीं ले रही है उनके ऊपर। हमने उनके ऊपर कोर्ट में भी केस किया हुआ है, लेकिन कोर्ट का अभी 16 अप्रैल को डेट पड़ा हुआ है, तब तक हमारा चुनाव हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कल हम चुनाव निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे उनके नाम से याचिका देने के लिए। हम होम मिनिस्ट्री में जाके आ चुके हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा चलता रहेगा, रोड पर चलता रहेगा। जिस प्रकार से आपने बोला कि मेरे ऊपर हमला कराया गया है माननीय जो भी है मायावती जी द्वारा, तो आपने तो सर वहाँ से आपने टिकट भी लिया था पहले? हमारा टिकट 2019 में उन्होंने काट दिया था, तभी से हमने पार्टी छोड़ दिया उनका। उसके पहले हम उनकी पार्टी से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 बार असेंबली का। लेकिन हमारे हम कुछ उनके राज को जानते हैं जो मैं कोर्ट में बताऊंगा, हम यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ खुलासा नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिससे उनको डर है और सोचती है कि अगर वो पार्टी बनाएगा तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा और उनकी जो पोल है खुल जाएगी। इसलिए उस पोल को बचाने के लिए, उस जो उनके राज है उसको छुपाने के लिए वो हमको चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। कभी हमला हुआ आपके ऊपर? 29 तारीख को मेरे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर, ये सक्सेना के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद मुझे धमकियां मिली थी और इनको ही कहा गया था कि आप पार्टी को बंद कर दो। इलेक्शन कमीशन के साथ आपने क्या बातचीत करेंगे? अभी कल बातचीत करूंगा, यही करूंगा कि हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। जो हमें मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए रोक रही हैं, जो ये धमकी दे रहे हैं कि आप पार्टी को बंद कर दो, हमारे में शामिल हो जाओ, उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। मुझे मैंने एफिडेविट दिया है कि पूरे देश में कैंडिडेट खड़ा करूंगा, 200 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करूंगा, तो उसके लिए हमें परमिशन दिया जाए। हमें परमिशन ऑलरेडी है और उनको बंद किया जाए सब करने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन मायावती जी के यानी बहुजन समाज पार्टी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। किसी भी टाइम पर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकते हैं हो गया। तो इस जगह पे आपने कल जो बातचीत करेंगे, अगर आपको दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो ऑलरेडी हमें सिंबल मिल चुका है, ऑलरेडी मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार हो चुका है निर्वाचन आयोग की तरफ से, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे देश में। अशोक जी ये सारी जो प्रक्रिया हुई है इसके ऊपर आपने कोई FIR दर्ज कराई है? FIR के लिए गए थे पुलिस स्टेशन में, लेकिन FIR नहीं हो रही है। बताओ आप लोग कहाँ से हो? मैं इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, मैं साइड इधर आ जाओ, मुझे बोलो कहां जाना है, क्या मतलब है? चलो लगा दो, आपका है परमिशन दी है? नहीं, परमिशन नहीं है हमारे, फिर कैसे जाओगे? लेकिन हमने जब होम मिनिस्ट्री को, अच्छा आपका मकसद क्या है? ये आ गए, हमारी पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति पार्टी है। किस लिए आना चाह रहे हो? मैं अशोक सिंह। हाँ, किस लिए आना चाह रहे हो? मैं आ रहा हूँ इसलिए कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे इसलिए कि मुझे रोका जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़िए, आप अपनी पार्टी को बंद करके बहुजन समाज पार्टी में आप शामिल हो जाइए। पहले मैं 3 बार उससे चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ। तो कौन कह रहा है ये? मायावती जी अपने बंधुओं को भेज रहे हैं। अब यहाँ क्या जाएंगे आप, यहाँ पर कहाँ जाएंगे? मैं धरना देने के लिए आया हूँ। नहीं तो धरना का तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, डेट वेट लगानी पड़ती है। मैंने एक बार धरना दिया हूँ, मैं एक बार यहाँ पे समझा दिया हूँ आपको, अभी आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। इस पर ना वो कराना पड़ता है आपको, पहले प्रायर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उस पर वो होता है, तब होता है, ठीक है ना जी? लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए हमको जो वो करता हूँ, आप मुझे वो एक दे दो। सुनिए आप जब मेरी भी बात सुनिए, हमारा कल 2-4 दिन में अंदेशा है कि आगे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल अंदेशा है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही मुझे सुरक्षा की मांग, हेलो, ना ही मुझे प्रोटेक्शन मिला है, ना मुझे बंद किया जा रहा है, जा रहा है वो जो हमें रोका जा रहा है कि आप चुनाव लड़ो। आपकी क्या मांग है? प्रशासन से सुरक्षा को दी जाए, मेरी सुरक्षा दी जाए मुझे, और हमें रोकने के लिए जो समाज पार्टी रोक रही है, जो मायावती रोक रही है, उसको रोका जाए।